सर मेंबरशिप होगा ओवर? पर मैंने तो यूज भी नहीं की ओ फिर तो वेस्ट हो गई सारी वेस्ट कैरी फॉरवर्ड कर दो ऐसा कहाँ होता है मेरी नीवा बोपा हेल्थ इंश्योरेंस की रियश्योर 2.0 पॉलिसी में मतलब मतलब इट लेट्स मी कैरी फॉरवर्ड माय अनयूटिलाइज्ड बेस कवरेज टू द नेक्स्ट ईयर इम्पॉसिबल इट्स पॉसिबल थोड़ा बैक कर समझो मैंने दस लाख की पॉलिसी ली लेकिन यूज ही नहीं की अगले साल रिन्यूअल पे कवरेज सीधा दो गुना फिर भी यूज नहीं करी तो फिर से मतलब तीन गुना पर यूज करने पे नहीं बढ़ेगी ना बढ़ेगी ना तब भी बढ़ेगी जितने भी यूज नहीं करी अगले साल कवरेज में ऐड हो जाएगी भाई कब तक जब तक कवरेज बढ़कर दस गुना नहीं हो जाता मतलब दस लाख की पॉलिसी बढ़कर एक करोड़ एक करोड़ ये मुझे भी चाहिए कल मेरी मेंबरशिप डन दोस्तों बिल्कुल सही सुना आपने नथिंग इज इम्पॉसिबल इन हेल्थ केयर सेक्टर नाउ नीवा बुपा की न्यू पॉलिसी रिशियो 2.0 ने हेल्थ केयर सेक्टर में भूचाल ला दिया है सभी सोचने में मजबूर हो सकते हैं कि ये कुछ भी मिल सकता है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में तो दोस्तों इस वीडियो में आपको इसी बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा रीशो टू पॉइंट में क्या क्या इन्होंने न्यू चेंजेस दिए हैं जो अभी तक मार्केट में किसी भी और इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं दिए और इसमें क्या क्या आपको टोटली फीचर मिलने वाले हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले इन्होंने जो सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट अपडेट किया है वो यही है टेन तक आप अपनी पॉलिसी को लेकर जा सकते हैं इसमें इन्होंने दो प्लान रखे हैं टाइटेनियम प्लस और प्लेटिनम प्लस प्लेटिनम प्लस में पांच एक्स तक आपकी पॉलिसी बढ़ सकती है और टाइटेनियम प्लस में आपकी पॉलिसी टेन एक्स तक बढ़ सकती है सपोज कीजिए आपने पॉलिसी दस लाख की ली है और आप पहले साल उसका प्रीमियम यूज नहीं करते तो नेक्स्ट ईयर वो दस लाख जो आपने नहीं यूज किए वो नेक्स्ट ईयर की पॉलिसी में भी चले जाएंगे और उससे अगले साल भी अगर आप पॉलिसी यूज नहीं करते वो दस प्लस दस बीस लाख हो गए हैं उससे अगले साल की पॉलिसी में भी ऐड हो जाएंगे मतलब तीसरे साल वो तीस लाख बन जाएंगे और अगर आप सपोज कीजिए आप अपनी पॉलिसी फर्स्ट ईयर में ही ले लेते हैं दस लाख के पांच लाख आपने यूज कर लिए तो पांच लाख बच गए तो जो पांच लाख बच गए हैं वो भी अगले साल चल जाएंगे दस लाख में पंद्रह लाख की अगले साल पॉलिसी हो जाएगी और ये पॉलिसी तब तक अपडेट होती रहेगी जब तक अगर आपका अगर आपने प्लेटिनम प्लान लिया है तो फाइव एक्स जब तक नहीं हो जाती और जब अगर आपने टाइटेनियम प्लान लिया है जब तक टेन एक्स नहीं हो जाती तब तक ये पॉलिसी बढ़ती रहेगी इससे बड़ी अपडेट आज तक इंश्योरेंस सेक्टर में कभी नहीं आया और आज तक ऐसे ही था कि मैक्सिमम डबल होता था एनसीबी लेकर वो भी आधे से ज्यादा कंपनी ने ऐसे रखा हुआ था अगर आप यूज कर लेंगे तो अगले साल एन नहीं मिलेगा मगर इन्होंने ये सारा सिस्टम ही चेंज कर दिया है तो दोस्तों अब आपको मैं इनके फीचर्स सारे के सारे बताता हूँ वन बाय वन करके और रीश्योर से कैसे डिफरेंट है वो भी आपको सारा कुछ बताता हूँ मैं तो आपको इसके लिए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ ये इसका नाम है रिशोर टू पॉइंट ओ नथिंग सेम सिम पॉसिबल बिल्कुल सही है इन्होंने जो फीचर निकाला है गजब का है देखिए ना सबसे पहले ही लिखा होगा लोक दिक लोक एंट्री एज में जो आप प्रीमियम पे करोगे जब तक आप क्लेम नहीं लेते तब तक वो प्रीमियम बिल्कुल सेम रहेगा उसके बाद ये बूस्टर प्लस जो आप नहीं यूज करोगे वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अंटिल वो फाइव एक्स और टेन एक्स ना हो जाए उसका लीव है बेनिफिट ये पहले भी था इंडिविजुअल के लिए थर्टी परसेंट और फैमिली फ्लोटर के लिए ये फिफ्टीन परसेंट है रीश्योर फॉर एवर ये भी पहले भी था कि अगर आप सपोज कीजिए अगर आपकी दस लाख की पॉलिसी है आपका फर्स्ट ईयर में ही क्लेम आ जाता है दस लाख का तो दस लाख आपने यूज कर लिए जब आपने यूज कर लिए उसके बाद आपका क्लेम सेटल हो गया उसके बाद फिर से आपको दस लाख मिल जाएंगे ये रिफिल होता रहता है चाहिए आप दस बार दस दस लाख यूज कर लें एक साल में ही तो आपको रिफिल मिलता रहेगा तो ये बहुत बड़ा अच्छा बेनिफिट है कई पॉलिसीज में रखा होता है कि सेम पॉलिसी के लिए दोबारा क्लेम नहीं मिलता है इसमें ऐसी कोई लिमिट नहीं है जितनी मर्जी बार आप यूज करी जाए उतनी बार ये क्लेम मिलता रहेगा उसका ये इन्होंने नया फीचर लाया है सेफ प्लस जैसे पहले जो अपनी रीश्योर पॉलिसी थी उसमें एक सेफ गार्ड का फीचर आता था उसका अपग्रेडेड वर्जन है सेफ गार्ड प्लस जो चीजें उसमें भी कवर नहीं होती थी सेफ गार्ड में वो भी अब इसमें कवर होने लग गई है ये एड राइडर है ये अलग से आपको लेना पड़ेगा उसके बाद हेल्थ चेकअप फ्रॉम डे वन ये उसमें भी सेम ही था रीश्योर में और यहाँ पर भी है। ये सभी कंपनी ये देती है एवरेज मान के लगा लीजिए एक लाख रुपए के मगर पांच सौ रुपए के टेस्ट आपको फ्री मिलते हैं तो ये अब आ गया इसके फीचर्स इसमें सबसे पहले वेरिएंट लिखा हुआ है दो वेरिएंट वेरियंट इसके प्लेटिनम प्लस और टाइटेनियम प्लस जो प्लेटिनम प्लस है उसमें फाइव एक्स होगा और जो टाइटेनियम प्लस है उसमें टेन एक्स होगा और अगर प्लेटिनम प्लस और टाइटेनियम प्लस के प्रीमियम के डिफरेंस की बात करें तो ये मुश्किल से दो से चार परसेंट के करीब होता है तो इसलिए प्लेटिनम प्लस की जगह टाइटेनियम प्लस लेना अच्छा रहता है क्योंकि इसमें पांच तो एक्स की जगह टेन एक्स तक समीश्योर्ड आपका इंक्रीज हो सकता है तो उसके बाद बेस बेसमीश्योड है आप मतलब कितने कितने रुपए की इंश्योरेंस इसमें करा सकते हो तो पाँच लाख से लेके एक करोड़ तक आप करा सकते हैं इन पेशेंट केयर इंक्लूडिंग आयुष कवर्ड अप टू समिश्योर्ड आयुष मतलब आयुर्वेदा यूनानी या हो होम्योपैथिक उसके बाद अगर आप हॉस्पिटल एडमिट होते हो तो उससे साठ दिन पहले के और हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद एक दिन बाद के जो भी आपकी दवाइयाँ टेस्ट या जो भी डॉक्टर का खर्चा हुआ है आपको वो पूरा समिश्योर तक मिलेगा उसके बाद मॉडर्न ट्रीटमेंट है वो समीश्योर्ड तक कवर होते हैं कुछ रोबोटिक ट्रीटमेंट को छोड़ के जो कि उनकी लिमिट है एक लाख रुपए उसके बाद है रोड एम्बुलेंस कवर्ड अप टू समीश्योर्ड जो पहले पॉलिसी थी उसमें दो हजार रुपये तक के ही मिलते थे रोड एम्बुलेंस के मगर इन्होंने इसको अपग्रेड करके अब अप टू समीश्योर्ड कर दिया है और एयर एम्बुलेंस के दो लाख पचास हजार तक मिल जाते हैं उसके बाद होम केयर डोमिसलरी कवर्ड अप टू समीश्योर्ड ये भी कवर अप टू समीश्योर्ड है अगर आप किसी को अपने बॉडी के पार्ट डोनेट करते हो तो भी आपको समीशोर तक उसका खर्चा मिलेगा और एनुअल हेल्थ चेकअप जो डे वन से ही अप्लीकेबल है वो हर एक लाख रुपए में पाँच सौ रुपए जैसे आपको मैंने बताया था वो मिलेंगे ये बिल्कुल कैशलेस होते हैं आपको कोई रुपया नहीं खर्च करना आप चाहो तो इनके प्रिस्क्राइबड हॉस्पिटल है वहां जाकर टेस्ट करा सकते हैं या फिर आप अपने घर बुलाकर भी टेस्ट करवा सकते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे और अगर आप इंडिविजुअल पॉलिसी ले रहे हो तो उसमें मैक्सिमम पाँच हज़ार पे तक के टेस्ट फ्री मिलेंगे और अगर आप फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ले रहे हो तो उसमें मैक्सिमम दस हजार तक के टेस्ट फ्री होते हैं तो रीश्योर प्लस जैसे पहले भी था रीश्योर में भी अगर आपका एक बार क्लेम आ जाता है तो आपको फिर से उतनी वैल्यू कहीं समीशोर मिल जाता है जैसे पहले था कि दस लाख की अगर आपकी पॉलिसी अगर आप पूरा क्लेम ले भी लेते हो तो दस लाख आपको और मिल जाएंगे अगर फिर से भी उसी साल में ले लेते हो फिर से दस लाख मिल जाएंगे मिलते रहेंगे जब तक साल कंप्लीट नहीं होता इसमें भी वो सेम ही है और उसके अलावा जैसे आपको बोला था लोक दिख लोक कि जितना आपके एंट्री पे प्रीमियम लगाए जब तक आप कोई भी क्लेम नहीं लेते तब तक वो सेम ही रहेगा उसके बाद बूस्टर प्लस जैसे प्लेटिनम प्लस में फाइव एक्स तक बढ़ सकता है आपका पॉलिसी पाँच लाख आपकी तीस लाख तक पहुंच सकती है और वही पॉलिसी अगर आप टाइटेनियम प्लान लोगे तो टेन एक्स तक पहुंच सकती है पाँच लाख की पचवंजा लाख तक लिव हेल्थ बेनिफिट अप टू थर्टी परसेंट डिस्काउंट ऑन प्रीमियम जो इंडिविजुअल है उनके लिए थर्टी परसेंट और जो फैमिली फ्लोटर है उसमें पंद्रह परसेंट तक डिस्काउंट मिलता है और ये चलने पर मिलता है इसके लिए स्लैब्स बनी हुई है कि इतने कदम चलने पर इतना डिस्काउंट मिलता है इसमें रूम रेंट पे कोई कैपिंग नहीं आप भी ले सकते हो तो काफी महंगे होते हैं रूम तो वो तभी वो शेयर एकोमोडेशन की बात कर रहे हैं अगर शेयर अकोमोडेशन आप ले लोगे तो उसमें ऐसा होता है कि दो पेशेंट एक रूम में होते हैं तीन पेशेंट रूम में होते हैं इससे उनको काफ़ी सस्ता पड़ता है तो वो वही कहते हैं अगर आप शेयर अकोमोडेशन ले लेंगे भई आपको हम पैसे कैश दे देंगे जैसे अगर आपकी पंद्रह लाख से कम की पॉलिसी है तो आठ सौ रुपये पर डे के आपको मिल जाएगा मैक्सिमम एक साल की पॉलिसी में अड़तालीस सौ रुपये मिलते हैं अगर पंद्रह लाख से ज़्यादा है तो हजार पर डे का मिलेगा मैक्सिमम छः हजार रुपये तो आप सेकेंड मेडिकल ओपिनियन भी इसमें ले सकते हो एक साल में एक बार उसके बाद ये ई कंसल्टेसन ये इन्होंने नया फीचर ऐड किया है जो रीश्योर में नहीं था अब जब भी आपको बुखार खांसी जुकाम कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है जो आपसे पाँच सौ हज़ार रुपये ले लेता है मगर आप ई कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं जो इनके ऑथराइज डॉक्टर हैं उनको कॉल करके तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है जब मर्जी है, आप जितनी मर्जी बार कॉल कर सकते हैं उसका ये ऑप्शनल बेनिफिट है इसको राइडर्स बोलते हैं आपको मतलब एक्स्ट्रा पैसे पेड करने पड़ेंगे जिससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएंगे जैसे कि हॉस्पिटल कैश आप सपोज कीजिए आप एक नौकरी पेशा पर्सन हो प्राइवेट कंपनी में और आप अगर एक भी छुट्टी करते हो तो आपकी सैलरी में से पैसे कट जाते हैं तो इस कंडीशन में ये रामबन साबित होता है आपको थोड़ा सा प्रीमियम एक्स्ट्रा पेड करना पड़ता है जैसे अगर आप सपोज कीजिए आप पाँच लाख की पॉलिसी ले लेते हो तो आपने हॉस्पिटल कैश सिलेक्ट किया हुआ है तो उससे क्या होगा अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट भी हो जाते हो दस दिन के लिए एडमिट हो गए सपोज़ कीजिए एक बार में ही तो आपको हज़ार रुपये पर डे मिलेगा और आपको मतलब दस दिन के लिए दस हजार मिल जाएंगे आपको कोई टेंशन नहीं आपकी अगर सपोज कीजिए हजार रुपये पर डे की वहां पर भी आपकी सैलरी है तो दस दिन के लिए वहां से दस हजार नहीं भी मिले तो दस हजार आपको इधर से मिल जाएंगे तो ये बेनिफिट रहता है हॉस्पिटल कैश का और अगर वही आपकी पॉलिसी दस लाख या पंद्रह लाख की है तो आपको दो हजार रुपये पर डे के मिलेंगे और पंद्रह लाख से ऊपर की पॉलिसी है तो चार हजार रुपये पर डे के मिल जाएंगे तो आप ये एक्स्ट्रा राइडर भी ले सकते हो उसके बाद ये एक राइडर होता है पर्सनल एक्सीडेंट राइडर तो आप सपोज कीजिए एक्सीडेंट होता है एक्सीडेंट के केस में काफ़ी ज्यादा रुपए भी लग जाते हैं तो आपको फाइव टाइम उसका बेस सम इश्योर मिल जाएगा जितने की आपने पॉलिसी कराई है जैसे आप सपोज कीजिए पाँच लाख की पॉलिसी कराई है जो तो फर्स्ट ईयर में आपका एक्सीडेंट हो गया तो बीस लाख रुपये लग रहे हैं तो आपने मगर पर्सनल एक्सीडेंट राइडर लिया हुआ है तो आपकी जो पॉलिसी है वो पर्सनल एक्सीडेंट के लिए पच्चीस लाख रुपये की है तो आपको कोई अपनी जेब से पैसे भरने की जरूरत नहीं है मैक्सिम अप टू वन करोड़ उसके बाद सेफ गार्ड ये सेफ गार्ड रिश्योर पॉलिसी का है इन्होंने इसको अपग्रेड भी कर दिया है सेफ गार्ड प्लस में अगर आप सेफ गार्ड लेते हैं तो उसमें था कि नेक्स्टर वन की लिस्ट वन में नॉन पेएबल आइटम दी हुई हैं उनके आपको पैसे पूरे मिलते हैं मगर जो नेक्स्टर वन में टू थ्री फोर के पैसे अभी भी नहीं मिलते थे सेफ गार्ड में वो आपको जेब से भरने पड़ते थे और उसके बाद बूस्टर प्लस सेफ गार्ड इसका मतलब है कि अगर आप साल में आपके जितने भी क्लेम लिए हो उसकी वैल्यू अगर पचास से कम बनती है तो आपकी पॉलिसी की जितना भी समी शोर्ड है वो इंटेक्ट नहीं होगा और पूरे का पूरा समिशोर्ट अगले साल की पॉलिसी में ऐड हो जाएगा उसके बाद समिशोट सेफ गार्ड सीपीआई लिंकड इंक्रीज इन बेसमिशोर्ड हर साल इन्फ्लेशन बढ़ती आ रही है जिससे मेडिकल फेसिलिटियाँ वो भी महंगी होती आ रही हैं अगर आप ये सेफ गार्ड ले, ले लेते थे तो जो भी महंगाई है उसके हिसाब से सपोज कीजिए इस साल चौदह परसेंट महंगाई बढ़ी तो अगले साल आपका समिश्योर्ट भी चौदह परसेंट बढ़ जाएगा अगर आपका दस लाख की पॉलिसी है तो उस पर एक लाख चालीस हजार और अगले साल बढ़ जाएंगे तो ये होता था अब सेफ प्लस आ गया उसमें जो आइटम्स नेक्स्ट ईयर आप वन के लिस्ट नंबर टू थ्री फोर में थी वो भी इसमें कवर होंगी वन के साथ साथ तो आपको एक रुपया अभी भरने की जरूरत नहीं है अपनी जेब में से तो इसमें इन्होंने एक लाख रुपया दे दिया है कि एक लाख रुपये तक आपका खर्चा हो जाता है तो आपकी जो पॉलिसी है समीशोर्डा है वो इंटेक्ट नहीं होगा वो सारे के सारे पैसे नेक्स्ट ईयर की पॉलिसी में चल जाएंगे और इसके अलावा ये सेम ही है सीपीआई लिंक इंक्रीज इन बेस समीशोर्ड तो जो भी इन्फ्लेशन उसके हिसाब से आपका समी शॉर्ट भी अगले साल बढ़ जाएगा तो आप ये राइडर्स भी ले सकते हो इसका भी अपना बेनिफिट अच्छा होता है तो ये तो इनकी सबसे बेस्ट चाहिए है है, नीवा बुप्पा जो इकलौती कंपनी है जो थर्टी मिनट में क्लेम प्रोसेस करती है उसके अलावा इसके अब छियानवे प्लस हॉस्पिटल अब नेटवर्क हॉस्पिटल हैं जिनमें आपको कैशलेस फैसिलिटी मिलती है उसके बाद चौबीस इंटू सेवन जब मर्जी आप कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हो सत्तर लाख से ज़्यादा लोगों की इन्होंने लाइफ कवर की है तो दोस्तों ये सारे बेनिफिट्स थे जो रीशो टू पॉइंट ओ में है तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट पॉलिसी है अभी तक मार्केट में इसके बराबर की कोई पॉलिसी नहीं है तो आपको आंखें बंद करके ये पॉलिसी बाय कर सकते हैं और मैं भी जैसे पॉलिसी सेल करता हूँ तो आप मेरे थ्रू भी ये पॉलिसी ले सकते हैं नीचे जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है सेवन डबल जीरो नाइन टू फोर नाइन जीरो एट सेवन उस पर कॉल करके आप ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं तो आपका इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है पॉलिसी के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या मेरी लाइव स्ट्रीमिंग जो हर सोमवार से शुक्रवार रात सात से आठ बजे तक चलती है आप उसमें भी पार्टिसिपेट करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं तो दोस्तों ये मेरी वीडियो यहीं तक थी उम्मीद करता हूँ आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रीशो 2.0 टू की मिल गई होगी तो बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों आपको अपनी अगली वीडियो पर थैंक्स फॉर वॉचिंग दीडियो